तो यारो अभी शाम के 6 बज गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्राई मतलब बनाने के लिए घोंगा। ये देखो हम लोग सवेरे बीन के लाए थे, इसको ढूल के मैं साफ करके रख दिया हूँ। अब इसको क्या करना है, इसे बॉईल करना है। तो ये कढ़ाइया है और ये चूल्हा रखा है, तो यहाँ पे ऐसे गैस बाड़ो, ऐसे ऐसे जल गया और इसको कढ़ाइया चढ़ा दो इस पर और थोड़ा इसको गर्म होने दो। गर्म होने के बाद इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं ऐसे, और यह पानी भरा हुआ है। थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा बोतल से पानी डाल देता हूँ ऐसे करके। इसे इसलिए उबाला जाता है ना, ताकि इसे उबालेंगे तो जो इसके ये सीप नहीं होता, ये इधर वाला ये जल्दी निकल जाता है। जो उसमें जो अंदर वाला जो खाने वाला पोर्शन होता है वो तो बढ़िया से निकाल के आप अलग रख सकते हो और बढ़िया से इसकी सब्जी बना के खाओगे खूब बढ़िया तरीके से। हम लोग बनाएंगे, पानी आ जाएगा मुँह में, तो इतना पानी काफ़ी है। और इसको हम लोग ऐसे करके ढक देते हैं, रुक गया भाई, रुक गया। और करीब 15 से 20 मिनट उबालेंगे इसको, उसके बाद इसमें से हम लोग निकालेंगे अंदर वाला पोर्शन, उसके बाद खाएंगे और फिर बढ़िया से बनाया जाएगा। चलो वेट करते हैं यार करीब 15 से 20 मिनट, उसके बाद देखते हैं यार। तो चलो जब तक बड़ा वाला घोंगी बॉयल होता है तब तक हम लोग अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। बढ़िया से लहसुन छील के उसे कूट लेते हैं, मिर्चा कूट लेते हैं और साथ में प्याज काटते हैं एक थाली में। और चलो उसके बाद अपना घोंगी बॉयल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे बड़े वाले घोंगी का घोंगी कढ़ी बनाएंगे आज। तो यार 15 से 20 मिनट हो चुका है, तो ये देखो कैसे उबाल हो रहा है। उबालने से क्या होता है ना, तो इसमें जो क्या होता है कि जिससे जो कचरा होता है ना पूरा साफ हो जाता है, जो मिट्टी उट्टी खा रहते हैं सब बाहर निकल के आ जाता है। तो थोड़ा खुशबू आने लगा है, बढ़िया बढ़िया। और देखो इसमें से जो सीप होती नहीं है सब बाहर आ गए, ये देखो ये दिख रहा होगा इसमें चटा हुआ, ये सब बाहर आ गए देखो। अब जाके इसमें से हम लोग जो वाइट वाइट अंदर दिख रही है अंदर जो यहाँ पे, इसको निकालना है। तो चलो इसको हम लोग पसाते हैं और पसाने के बाद इसमें से एक एक करके निकाला जाएगा। ओहो तो ऐसे करके लेके चलते हैं हम लोग यार और वहाँ पसाते हैं पानी पहले। ये देखो ये हो गया परात, इसमें हम लोग निकाल के रखेंगे और अपने भांजी को ऐसा होगा। अब इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ के झड़क दो, ऐसे ये निकल गया। तो ये जो वाला पोर्शन दिख रही है इसी को खाया जाता है यारों, बस ये निकाल के यहाँ इसमें रखो ऐसे फट से, ऐसे करके हमको पूरा निकालना है। तो चलो सभी लोग मिल के हम लोग एक एक घोंगी में से खाने वाला पोर्शन निकालते हैं। मैं निकाल रहा हूँ, साथ में अपनी बहन और भांजी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है हम लोग निकालने में, कि मैं भी निकालूँगी मैं भी निकालूँगी, कभी कहती है मैं भी वीडियो बनाऊँगी। तो वही करके हम लोग एक एक करके पूरे घोंगी में से खाने वाला पोर्शन निकालते हैं और निकालने के बाद अभी चलेंगे बढ़िया से बनाएंगे यारो। तो ये देखो यारो इतना निकला, इतना करीब आधा किलो होगा कि नहीं, मुझे लगता है एक पाव से ज़्यादा है। तो इसे पहले धुलते हैं बढ़िया से, उसके बाद अंदर लेके बनाए। गैस अब पहले से चल रहा है, इसमें रखते हैं अंदर कढ़ाई और इसमें डाल देंगे तेल। तो ये हो गया तेल और इसमें पानी तो नहीं है, अभी हल्का हल्का पानी है, तो पानी सूख जाने दो उसके बाद डालते हैं। तो इसमें से पानी सूख गया है, अब इसमें डालने की बारी है तेल की। तो ये देखो ऐसे देखो तेल डल चुका है अपना, और अब इसको पकने दे। ये है अपना करछी और सही यारो, देखो अपना तेल पक चुका है, डाल के देखते हैं। देखो ये आवाज़ आने लगा, तब इसमें हम लोग डालते हैं प्याज। प्याज डाला जाता है ऐसे करके डालो, अब इसको हम लोग प्याज कुछ देर पकाएंगे। प्याज कुछ देर हम लोग पकने देते हैं यारो, करीब 4-5 मिनट, जब इसमें थोड़ा रेडियस आ जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे। ये देख अपना भाजी मेरा वीडियो बना रही है और मुझे बनाने नहीं दे रही सब्जी, मुझे बीच बीच में बोल दे रही, चिल्लाने लग रही है। तो इसे हम लोग 5-6 मिनट पकाते हैं, थोड़ा लाल हो जाएगा तब इसमें हम लोग मिर्चा और लहसुन का लेप डालेंगे इसमें, फिर इसको पकाएंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग धनिया पाउडर और चिली पाउडर, साथ में डालेंगे मसाला। हमें इसमें हम लोग 2 चम्मच नमक डालते हैं
ये देखो, और इसको हम लोग रख देते हैं साइड में नीचे, इसे मिक्स करते हैं। मेरे चेहरे पे आपको पसीना पसीना नज़र आ रहा होगा। आज तुम्हारा भाई शेफ बन गया है, बढ़िया से बनाएंगे डिलीशियस सब्जी। देख के आपके मुँह में पानी आ जाएगा यार, तो देख रहे पसीना पसीना का, थोड़ा दूर रहे वरना सब्जी में चूह जाएगा पसीना। ऐसे चलाते रहो थोड़ी देर, अपने आप आ जाएगा। तो यारो अपना प्याज देखो रेडी हो गया है, पक चुका है। अब इसमें हम लोग डालते हैं अपने दूसरे मसाले। ये देख पा रहे हो, ये लहसुन का लेप है, ये मिर्चा है, और ये लहसुन बड़ा वाला डाल। जब इसको डालोगे और खाओगे ना भाई, तो एक नंबर लगता है, स्वाद आ जाता है। तो ऐसे करके हमने डाल दिया है, इसको पकाएंगे कुछ देर, और अभी इसके बाद हम लोग डालेंगे पाउडर धनिया वनिया चिली पाउडर। तो अपना ये भी पक चुका है, प्याज लहसुन ही पक चुका और लहसुन का ले और मिर्च भी पक चुका है। अब बारी है इसमें डालने के लिए हमको, ये है कोरिंडर पाउडर, मतलब धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हो गया, ये चिली पाउडर हो गया। चिली पाउडर थोड़ा कम डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे चिली पाउडर ना भांजे खा नहीं पाएंगे। और ये है वाह इंडिया का मसाला, ये देखो इसको पूरा डालेंगे एक पैकेट, 10 रुपया वाला है ये, वाह इंडिया का प्रचार करूँगा। एक चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, चपकने लगा है यारों, तो हम लोग थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें ताकि मसाला बन जाए। मसाला लगा लेगा सब तो गया पानी, देखो खुशबू आ रहा, लेकिन पूरा पानी सूख गया है। इसको बढ़िया से हम लोग मिक्स करते हैं इसको, और कुछ देर पकने देंगे इसको बढ़िया से। हमने मसाला सबको डाल लिया है, पक चुका है। अब इसे हम लोग बढ़िया से पकाने के लिए करीब 5 मिनट इंतज़ार करते हैं ढक के, उसके बाद हम लोग डालेंगे अपना जो लाइट है बड़ा वाला घोंगा बीन के। 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं यारों। तो यारों अपना मसाला पक के तैयार, थोड़ा चखते हैं भाई इसमें नमक वमक सही है कि नहीं। ठीक है ना, हल्का थोड़ा प्याज लग रहा है, जल गया है, तैयार है। आप चलते हैं, इसमें हम लोग अपना डालते हैं, ये देखो ये है, और इसको ऐसे पलट दो, पानी पहले जाएगा, और उसके बाद ये देखो। अब इसको ऐसे बढ़िया से मिक्स कर दो, इसको बढ़िया से मिक्स करो। उसके बाद जब बन के तैयार हो गए ना, उसके बाद आप लोग उंगली चाहते हो कि देख के मुझे खाते हुए। तो इसको बढ़िया चला के हम लोग इसको थोड़ा ढक देते हैं ताकि इसमें थोड़ा पानी निकले और थोड़ा बढ़िया से सीझ जाए। उसके बाद बाहर में से पानी डालेंगे हम लोग, थोड़ी देर ढक देते हैं 2-4 मिनट। ये देखो यारो, अपने सब्जी ने पानी छोड़ दिया है, इसमें हमको हल्का सा और पानी डालना है, पानी डाल के ताकि बढ़िया से ग्रेवी बन जाए एकदम, चावल में सान के बढ़िया से खाने के लिए मज़ा आ जाएगा खा के। देखो ये दिख रहा ना, डिलीशियस लजीज मज़ेदार, ये देखो मज़े आ जाएंगे। तो यारो इसमें से पानी छूट गया है, अब देखो ग्रेवी बढ़िया बन गया है, बस थोड़ा और पानी डाल के ग्रेवी बनाना है, वरना हम लोग भात में डाल के साल के खाएंगे क्या। तो इसमें पानी डालते हैं थोड़ा हिसाब से ताकि ग्रेवी बढ़िया लगे। पानी डल चुका है, और अब इसे हम लोग ढक देंगे थाली से, और करीब 10-15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद अपनी सब्जी तैयार हो जाएगी। यारों 15 मिनट हो चुका है, और हम लोग देखते हैं सब्जी बंद हो गया। मजा आ गया भाई, ये देखो यारों, लगता है भांजी अपनी सो गई हैं, तो उनके लिए निकाल के थोड़ा रख देते हैं। सवेरे जब उठती ना, तो हमको चाहिए चूचू, चाहिए चूचू चाहिए बोलती हैं, मतलब मीट चाहिए उनको। यहाँ रख लेते हैं इसको हम लोग, और
सजा के रखेंगे। और ये सब्जी भाई एक नंबर लग रहा है भाई, डिलीशियस। ग्रेवी देखो कितना गजब बना है ये। लहसुन तो भाई एक नंबर लगता है खाने में। सब्जी में चार चांद लगा देते हैं, तो इसे ले के रखते हैं यार, और हम लोग चलते हैं लेके। हो गया ऐसे, और ऐसे पकड़ के एक हाथ से दर्द हो जाएगा। आउच, चलो चलते हैं। ये देखो सब्जी, देख एक नंबर सब्जी बना ला, अंगूरी चट रहे सोखने का। ये देखो ले रहा, शुरू करो खाओ सब। कौन कर भाई सर? हाँ मैडम जी, ठीक है, खाओ खाओ। ये है अपनी शिवानी भाई, ले भाई नहीं खाओ सर। ले भाई टेस्ट करके बता कैसे बना ला है। आज सब्जी तेरा भाई बनाया है, बढ़िया लग रहा है। एक नंबर बना भाई। चलो ट्राई करते हैं भाई, नमक तो ज़्यादा नहीं हो गया है। गर्मा गर्म बड़े वाले घोंघे की सब्जी, बड़े दिन बाद खा रहे हैं। ये लहसुन ठीक बनाया, सुपर। पहली बार बनाया भाई घोंघे की सब्जी, अच्छा लगा। ये देखो, बोल रहा था ना, जिसे भात लो मतलब चावल और सब्जी घोंघे की ग्रेवी, इसे मिक्स करो भाई, और इसके बाद ऐसे मस्त उठाओ हल्का हल्का कवरा बना के, ऐसे खाओ ऐसे। मजा आया था खा के, एक नंबर लगता है इसकी ताकत। और ये देखो, ये लहसुन है, ये इसे सब्जी में चार चांद ला रहे थे भाई। हाँ मजा आ गया, जैसे कोई खट्टा चीज खा रहे, ऐसे तो मुंह मजा आ रहे हैं। तो हम सभी चारों लोग मिलके घोंघे की सब्जी भाई बड़े मज़े लेके खाते हैं भाई, बड़ा मज़ा आता है। एक नंबर बना रहता है सब्जी, बढ़िया से ग्रेवी घोंघी और चावल मिक्स करके खाओ भाई, स्वाद आ जाता है भाई। बाकी एक चीज़ की दिक्कत थी भाई, लाइट की, थोड़ा उजाला रहता और ज़्यादा सही रहता है यार, लाइट में बैठे होते तब ज़्यादा सही वीडियो हो जाता, लेकिन देखो पीछे सब अंधेरा, बाकी चेहरे पर फ्लैश जल रहा है तो उसी थोड़ा उजाला लग रहा है, बस ये थोड़ी दिक्कत थी। बाकी अपनी भांजी सो गई हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने थोड़े कटोरे में निकाल लिया है, और जब सवेरे उठेंगी तब खाएंगी। और बाकी ऐसे ही मजाक करते करते हम सभी लोग खा रहे थे। तो यारो ये थी घोंघे की सब्जी, घोंघी वाली ग्रेवी जो बड़े बढ़िया से बना था भाई, बड़ी मेहनत से हम लोग गए थे झील में से निकाल के लाए, बढ़िया से घोंघी ग्रेवी बनाई और खाया भाई। अगर आप लोगों को हम लोगों की घोंघी वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं यारो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।